कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी निश्चित दवा और वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है। ऐसे में इससे बचाव के तरीकों को अपनाकर सुरक्षित रहा जा सकता है। इसके लिए शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार बार हाथ धोने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। वेलकम ओपन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक 1663 लोगों पर अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं का कहना है कि मास्क से चेहरा ढककर और दिन में कम से कम 6 बार हाथ धोकर संक्रमण का खतरा 90% तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मास्क लगाने से छींक या खांसी से निकले ड्रॉपलेट से होने वाला संक्रमण 90% तक रोका जा सकता है। साफ सफाई और हाइजीन के इन दोनों जरूरी उपायों पर किए गए अध्ययन के परिणाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझावों और सलाहों से मेल खा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना परिवार के सभी वायरस सर्दी, खांसी और सांस लेने में होने वाली तकलीफों जैसे बीमारियों से जुड़े हैं। ऐसे संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोना बेहतर उपाय है। इस रिसर्च स्टडी के दौरान पाया गया है कि जिन्होंने कम से कम 6 बार हाथ धोए उनमें संक्रमण का खतरा कम था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2006 से 2009 के बीच वायरस के कारण फैली बीमारियों का आंकड़ा जुटाया गया। इस पर अध्ययन के बाद पता चला कि साबुन और पानी से हाथ धोने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रोजाना 6 से 10 बार हाथ धोना जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक घर में तैयार मास्क ज्यादा बेहतर होते हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 7 तरह के फेस मास्क पर रिसर्च की। बताया कि इनमें मेडिकल मास्क और होममेड मास्क भी शामिल हैं। शोधकर्ता डॉक्टर फेलिसिटी महिनियोल के मुताबिक घर के बने मास्क भी सीधे तौर पर आने वाले वायरस को रोकने में कारगर हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वैसे मास्क ज्यादा बेहतर होते हैं जो ठीक से फेस को कवर करते हों। सर्जिकल और अच्छे होममेड मास्क हवा में फैलने वाले संक्रमण को रोकता है। जिस मास्क में चारों तरफ हवा जाने की जगह ना हो वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने भी लोगों से कपड़े या फैब्रिक के बने मास्क पहनने की अपील की थी। वहीं भारत में घर पर बने मास्क भी पहनने की सलाह दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस पर घर पर साफ करने और सुखाने के तरीके भी बताए जा चुके हैं। बाजार में मास्क की कमी को पूरा करने में घर पर बने मास्क ने बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए एहतियात के तौर पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर जोर देता है कि मास्क पहनने का फायदा तभी होगा जब इन्हें थोड़े समय में बदला जाए। डिस्पोजेबल मास्क हो तो ठीक से डिस्पोज कर दिया जाए। घर में तैयार मास्क आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते इसे ठीक से साफ किया जाए। घर में तैयार मास्क को उतारने के बाद साबुन और गर्म पानी से धोएं। इसे धूप में कम से कम 5 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें। इसके अलावा आप प्रेशर कुकर में पानी नमक मिलाकर करीब 15 मिनट तक मास्क डालकर उबाल सकते हैं। यही नहीं, चाहे तो आप मास्क को साबुन से अच्छे से धोने के बाद इसे सुखाने के लिए इस्त्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमर उजाला.com